तो गाइस कैसे हो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साउथ की न्यू धमाकेदार सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज, जिसमें आपको कमाल की स्टोरी देखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहना ताकि मूवी की स्टोरी लाइन आपको अच्छे से पता चल सके। टू गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह सभी मूवीज यूट्यूब पर अपलोडेड है तो जल्दी से इन मूवीज को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 8 पर मूवी आती है साल 2024 में आई साउथ की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ईगल, जिसमें आपको कैलकी, रवि तेजा, अनुपमा और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। अब कहानी की बात करें तो कहानी एक जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो कि सरकारी मामलों पर जांच कर रही होती है, जिस दौरान उसे एक बहुत ही करूर हत्यारे की कहानी के बारे में मालूम पड़ता है। तो ऐसे में फिर आगे की कहानी में क्या कुछ होता है, वो हत्यारा कौन है, लोगों की जान क्यों ले रहा है और उस जर्नलिस्ट से उस हत्यारे का सामना कैसे होता है, सब आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। इस मूवी को मिस मत करना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हथियार से विध्वंस रोकने वाला भगवान होता है, ये भगवान अच्छा नहीं है, जिद्दी है। नंबर 7 पर मूवी आती है साल 2021 में आई साउथ की एक्टिव थ्रिलर मूवी डायल 100, जिसमें आपको मनोज बाजपेयी, नीना गुप्ता और भी एक्टर नजर आएंगे। कहानी की बात करें तो एक पुलिस ऑफिसर को एक अजनबी महिला की कॉल आती है जो कहती है कि वो सुसाइड करने वाली है। पुलिस ऑफिसर तुरंत ही उस औरत की जान बचाने के लिए उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए उसके पास जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस औरत की कुछ अलग ही योजनाएं हैं। तो वो औरत आखिरकार उस पुलिस वाले से क्या चाहती है, क्या मिस्ट्री निकल कर सामने आती है, क्या उस पुलिस वाले का उस औरत के साथ कुछ संबंध है, आगे की कहानी में क्या कुछ होता है, ये आपको मूवी में देखना होगा। मूवी बहुत अच्छी, जिसे एक बार जरूर देखनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम लोकेशन, इमरजेंसी पुलिस कंट्रोल रूम निकल। नंबर 6 पर मूवी आती है साल 2023 में आई साउथ की क्राइम थ्रिलर मूवी अजमेर 92, जिसमें आपको कारण वर्मा, राजेश शर्मा और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। अब कहानी की बात करें तो कहानी अजमेर के एक स्कूल और कॉलेज की 100 के नजदीक लड़कियों के रेप जैसे भयानक इंसिडेंट्स को दिखाती है और ये सब हकीकत में हुआ था। पूरी की पूरी कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि ये सारे इंसिडेंट्स 1992 के दशक में घटित हुए थे। तो अगर आपको रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। सब लड़कियों की नंगी फोटो। नंबर 5 पर मूवी आती है साल 2022 में आई साउथ की ड्रामा थ्रिलर मूवी भामाकलापम, जिसमें आपको प्रिया मनी, शांति राव और भी एक्टर नजर आएंगे। फिल्म की कहानी है एक बहुत ही अमीर होटल के मालिक, होटल के शेफ अनुपमा की जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। बदले की भावना के साथ अनुपमा उसके होटल में एक रसोई के मुकाबले के दौरान लूट करने का प्लान बनाती है और एक टीम तैयार करती है। तो कैसे अनुपमा इस लूट को अंजाम देगी, यही आपको इस मूवी में देखना होगा। मूवी शुरू में आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते हो तो मूवी आपको उतने ही एंगेजिंग लगने लग जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे सस्पेंस निकल कर सामने आएंगे जिसके लिए आपका इस मूवी को देखने में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगेगा। नंबर 4 पर मूवी आती है साल 2017 में आई साउथ की ड्रामा थ्रिलर मूवी रिबन, जिसमें आपको कैलकी केकला, सुमित व्यास और भी एक्टर नजर आएंगे। फिल्म की कहानी की बात करें तो सहना और करण एक युवा विवाहित जोड़े को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब उन्हें अनप्लान प्रेगनेंसी से जूझना पड़ता है और उनकी जिंदगी तनाव से पूरी तरह से घिर जाती है। उन्हें अपने बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है। तो ऐसे में कहानी में आगे क्या कुछ होता है, आपको मूवी में देखना होगा। मूवी वन टाइम वॉचेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 पर मूवी आती है साल 2023 में आई साउथ की एक्शन थ्रिलर मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जिसमें आपको नितिन, श्रील और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। अब कहानी की बात करें तो एक लड़का अभी हीरो बनना चाहता है और छोटे छोटे रोल कर रहा होता है। उसे जोन सा भी काम मिल जाए उसकी जिंदगी में मोड़ तो तब आता है जब उसे उसकी लव की कंपनी में CEO बनने का मौका मिलता है और इससे उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आ जाती है। तो ऐसा उसके साथ बाद में क्या होता है, यह आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी वन टाइम वॉचेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 पर मूवी आती है साल 2021 में आई साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवी चुजल, जिसमें आपको निर्जा के बेबी,
जाफर दुक्की और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, तो ये रहस्यमयी कहानी एक हिल स्टेशन के रिजॉर्ट में 5 युवाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जहां कोई रहस्यमय और डरावनी चीज उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है और उनके लिए मौत का एक जाल बिछा देते हैं। तो क्या वो लोग वहां से जिंदा वापस बाहर आ पाएंगे कि नहीं, आगे उनके साथ वहां पर क्या क्या होता है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ये फिल्म देख लीजिए। फिल्म काफी अच्छी है जिसमें सस्पेंस ट्विस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगी और फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 पर मूवी आती है साल 2023 में आई साउथ की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी डेविल, जिसमें आपको नंदमुरी कल्याण, संयुक्ता मेनन और भी कलाकार देखने को मिलेंगे। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो मूवी की कहानी में ब्रिटिश प्रांत के रसाफडू नाम के एक जगह पर एक जमींदार की बेटी विजय की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है। ब्रिटिश सरकार एजेंट डेविल को इस मर्डर मिस्ट्री का पीछा करने का आदेश देती है और उसे सुझाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद कई सारे चौंका देने वाले तथ्य सामने आते हैं और उसके बाद डेविल को ऑपरेशन टाइगर हंट नाम से एक और मिशन दे दिया जाता है। अब ये नया मिशन किस बारे में है, तो जमींदार की बेटी को किसने मारा, विजय की हत्या और नए मिशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत ही कमाल की मूवी जिसे मिस बिल्कुल ही मत करना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको और भी ऐसी साउथ की मूवीज चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।